You stay 2 months Turkey, right? Yes. What do you feel in Turkey and now what is your feeling? I feel that I'm tired of warm and I'm missing the winter. Winter. So, इस इलाके का सबसे बड़ा रिवर है ये. Oh wow, it's very beautiful, really. Oh. ये पहली सिटी है जो मैं तीसरी बार आया हूँ क्योंकि मुझे मजबूरी आना ही पड़ा. क्योंकि मैं दूसरी कंट्री जा रहा हूँ, नेक्स्ट ब्लॉग में आपको पता चल जाएगा कौन सी कंट्री जा रहा हूँ. तो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे. और ये रशिया में मेरा लास्ट ब्लॉग रहेगा क्योंकि मैं 4 दिन के बाद कैमरा उठा रहा हूँ और मुझे कहीं जाने का मन नहीं था ना. बोलिए चलो सिटी घुमा देती हूँ मैं, तो यार कोई बोल रहा है तो मैं आना का दिल रख लिया हूँ. चलो ठीक है, ये लास्ट रहेगा बस, जो भी रहेगा. आना, वेयर वी गो? We are going to beautiful place, nature. Okay. तो हम जा रहे खूबसूरत जगह देखने, तो आपको भी साथ में दिखाएंगे. बाकी चलो. तो गाइज, रशिया में मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ जो कि अपने यहाँ कब्रिस्तान शमशान घाट होता है. तो व्हाट इज़ द नेम? सेमेटरी, जो कि मतलब यहाँ क्रिश्चियन लोगों का होता है. इट्स ओनली क्रिश्चियन एंड नो एवरी वन? हाँ, तो ये ऐसा है मतलब कि हर कोई है यहाँ. मतलब ओ इज गुड. तो ये जो आप देख रहे हो सिमेट्री, ये कहीं बाहर नहीं है, ये मेन सिटी में. इज इन सिटी, राइट? इन सिटी, या तो आना के घर से 200 मीटर भी दूर नहीं है, ये चीज है. तो ये चीज अच्छा है कि आपको सिटी के अंदर जंगल वगैरह मतलब फॉरेस्ट दिख जाएगा आपको. इट्स गुड थिंग हियर रियली. भाई आप पहुंचे हैं चर्च पे और थोड़ा देख लेते हैं इस चर्च को, बहुत खूबसूरत है. ओके लेट्स गो. तो हमने घूम लिया चर्च, देख लिया चर्च, जो कि यहाँ लगभग हर जगह मिल जाएगा आपको. हर 2 किलोमीटर पे चर्च मिल जाएगा, सिटी है. आना से पूछ लेता हूँ. आना लगभग 2 महीने तुर्की थी. यू स्टे 2 मंथ तुर्की, राइट? Yes. What do you feel in Turkey and now what is your feeling? I feel that I'm tired of warm and I'm missing the winter. Winter, okay. Now I'm here, I see all the winter and I think, when this summer will come to this place? You know, I'm very tired to cold. It's okay. मेरे लिए बहुत हो गया यार, ठंड मैंने बहुत बर्दाश्त कर ली, अब नहीं होता है. बस अब निकल ही रहा हूँ, जल्दी निकल रहा हूँ दूसरी कंट्री. And now you happy? Yes, I'm happy. I don't want to be back in Turkey because I don't want to be in summer all my time of my life. But you like Turkey or not? Yes, but I don't want to live there. I understand. But you like? Yes, it was good. Yeah. Okay. You know? Single. I understand. One house, no building. तो भाई हम जा रहे हैं इस रिवर को क्रॉस करके. देखो इस साइड रिवर है और इधर से फुट बनाया हुआ है. व्हाट इज द नेम एरिया? एरिया? या व्हाट इज द नेम दिस प्लेस? फ्लड हाउसेस. यस, इन इंडिया से बेंगलोर. या या आई सी फ्रीज. नो नो, सी लाइक वो. Oh my god. Dangerous. Yeah, I am height. भाई तो मुझे height से डर लगता है और इसकी अच्छी खासी height है. Yeah, I am scared about the height. Okay, you see it's charged. Yes, they are charged. तो भाई इतना चहर के जाना पड़ेगा. इट्स वेरी हाइटेड. तो हम चलते चलते बहुत खूबसूरत जगह चलाए हैं. व्हाट इज द नेम हियर दिस प्लेस? कामा रिवर है ये. और वाकई में यहाँ से व्यू बहुत खूबसूरत आ रहा है. The biggest view.
बिगेस्ट रिवर इन पर्म सिटी, राइट? तो इस सिटी का सबसे बड़ा मतलब इस सिटी नॉट इस सिटी इस रीजन, हाँ, तो इस इलाके का सबसे बड़ा रिवर है ये. ओह वाओ, इट्स वेरी ब्यूटीफुल रियली. वाकई में बहुत खूबसूरत है ये. And you know you were there when you came with Marina there. To the forest. Yeah. It was on the other side of the. Ah yeah, I understand. We go, me and Marina go in forest this side, right? Mm-hmm. Yeah. You have a time free. You want to go in forest. You like forest, right? Yes. तो forest इसका favorite है. तो देखो यार आना कहाँ ले जा रही है. देखो हम लोग कहाँ आ चुके हैं. Go down. This way. Okay, you go first. You know how we need to go, like. No. Okay. Okay. तो भाई फाइनली लगभग 15 मिनट लगा हम लोग ऊपर से उतर के आए, ऊपर से एकदम. हाँ, और आ चुके हैं हम ट्रेन की पटरी पे. इट्स गुड एक्सपीरियंस. या इज ट्रेन गोइंग दिस साइड? ओह भाई, तो हम डेंजर एरिया में अभी. ये ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी अभी आ गए तो हम लोग पास कर लेते हैं. नो प्रॉब्लम. आज यार इसकी मर्जी से जहाँ ले जाएगी वहाँ घूमूंगा. मेरी कोई ख्वाहिश नहीं कि यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ. विच प्लेस यू वॉन्ट आई गो विथ यू. तो ये आ चुके हैं एकदम रिवर के किनारे. और देखिए इस साइड रिवर है, ये रहा आगे रिवर, और ये गाछ वगैरह लगा हुआ है. तो अभी तो बर्फ़ जमा हुआ है, नहीं तो यहाँ तक नदी रहती है. गर्मी के टाइम में बहुत अच्छा मौसम रहता है. इज समर टाइम इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड पीपल सिट हियर एंड स्विमिंग. नो स्विमिंग बिकॉज बिग इज इज डर्टी. ओके, तो भाई गंदा है यहाँ, स्विमिंग नहीं करते. लोग आते हैं बैठ के मज़े लेते हैं. तो फाइनली हमने घूम फिर लिया और अच्छा लगा. और अब हम जा रहे हैं सिटी की तरफ, फिर वहाँ से घर निकलेंगे. वी गो इन सिटी नाउ. और देख लो साफ साफ मना किया हुआ है यहाँ स्विमिंग नहीं करना. दिस इज बोर्ड फॉर नॉट स्विमिंग, राइट? या. तो ये प्लेस है जो पाम का कुछ फेमस यहाँ माउंटेन है, उसी के लिए बनाया गया है. तो गाइस देखो ये जो है ना पाम का पहला स्टेशन है. यहाँ तीन स्टेशन है. पहला जो लोकल है यहाँ से मतलब मॉस्को नहीं जाती है, ठीक है? ट्रेन लोकल में चलती है. और मॉस्को वॉस्को या यहाँ से कहीं भी जाती है तो वो है पाम 2 स्टेशन. वहाँ से हर जगह के लिए जाती है. रुकेगी नहीं है. तो फाइनली हम लोगों ने घूम लिया, अब जा रहे घर क्योंकि लग गया ठंड अच्छा खासा. हम लोगों ने लगभग 2 घंटा घूमा पूरा. और बस इसका जो शौक था, मैं बोला चलो घूम लेते, तो हमने घूम लिया और अब जा रहे घर. तो फाइनली गाइज निकल रहे हैं. ये मेरा लास्ट दिन है इस सिटी में और मैं निकल रहा हूँ मॉस्को के लिए. और फिर मैं मॉस्को से दूसरी कंट्री निकलूँगा. तो फाइनली हूँ बस स्टेशन, और यहाँ से लगभग 6-7 नंबर जाएगी. फाइनली आ गए हैं एस्टांसिया से, राइट? तो फाइनली मतलब स्टेशन आ चुके हैं और फिर मैं यहाँ से मॉस्को निकलूँगा. तो मिलता हूँ आपसे स्टेशन पे. और बाकी कुछ अच्छे पल गुजारे मैंने इस सिटी में, सुकून के लम्हे.
हर लम्हे गुजारने के बाद मुझे जाना पड़ रहा है। फाइनली आ चुके हैं ट्रेन में। ओके या बाय बाय, थैंक यू, ओके बाय। तो चलो फाइनली जा रहे हैं अंदर। तो फाइनली बैठ गया और ट्रेन भी खुल गई है। लगभग आधे घंटे हो गए। और इस ट्रेन की मतलब है तो 3 टायर ही, लेकिन इसमें खासियत ये है कि ये देखो पर्दा वगैरह लगाए हुआ, आप चाहो तो ऐसे टांग सकते हो। तो ये 3 टायर ही है, 2 टायर नहीं है, थोड़ा ये रहता है। तो ये 3 टायर है, ट्रेन कर रहा था, कुछ ट्रेन में रहता है कुछ में नहीं रहता। मैं पहली बार, मैं ये मेरा शायद रशिया में 4th ट्रेन हो, तो मैं पहली बार देख रहा हूँ ऐसा। तो सेम प्राइस है, ऐसा नहीं कि प्राइस का कोई डिफरेंट है, 3 टायर में ऐसा क्वालिटी है तो नहीं, सेम है, पहली बार मैं देख रहा हूँ। तो 24 घंटे ट्रेन में गुजारने के बाद फाइनली मैं मॉस्को आ पहुँचा हूँ। और ये पहली सिटी है जो मैं तीसरी बार आया हूँ, क्योंकि मुझे मजबूरी आना ही पड़ा, क्योंकि मैं दूसरी कंट्री जा रहा हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग में आपको पता चल जाएगा कौन सी कंट्री जा रहा हूँ। फाइनली मैं ट्रेन से उतर के मैं आ गया हूँ, प्लेटफॉर्म के अंदर हूँ मैं। बाहर ठंडी थी इसकी वजह से इसके लिए आ गया हूँ कि मेरी फ़्लाइट जो है ना, नेक्स्ट फ्लाइट जो दूसरी कंट्री में मैं जा रहा हूँ, मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपको बताऊँगा, तो वो 10 घंटे बाद है। अभी बज रहा है 1 और वो रात को 12। प्यारे से स्टीच को मैं यहीं एंड करूँगा। और वीडियो में इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट कंट्री में, नेक्स्ट ब्लॉग में। और मैं पूरा डिटेल बताऊंगा, सीम, मनी एक्सचेंज एंड वीज़ा, हर चीज़ का मैं डिटेल्स आपको बताऊंगा। क्योंकि मैंने कुछ वीज़ा जो मैंने नहीं किया, मेरी गर्लफ्रेंड ने करके दिया था, तो मुझे इतना आइडिया नहीं था रशिया का वीज़ा का, किर्गिस्तान का, बाकी मैंने किया था। तो इस वीज़ा को मैंने किया, इसमें भी मेरी गर्लफ्रेंड ने हेल्प किया है, तो मैं आपको हर एक चीज़ बताऊँगा। लेकिन ये वीज़ा ईजी है, कैसे मुझे मिला, बिल्कुल ईजी है, ठीक है। बाकी अगर वीडियो में बने हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। इस प्यारे से सीरीज़ को मैं यही एंड करना चाहूँगा और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ भी रहे अच्छे रहे। हर एक चीज़ और कहूँगा, अपने माँ बाप का ख्याल रखें, उनकी इज्जत मिलेगी तो आप दुनिया में कहीं भी खुश रह सकते हैं, ठीक है। चलो बाय।